नमस्कार। आज हम खेल रहे हैं द फाइनल्स और क्विक कैश मोड में खेल रहा हूं मैं। और आज एक लाइट करेक्टर मैंने तैयार किया है, इसके साथ खेलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें एक थर्मल विजन जो गैजेट है ना भाई, ये काफ़ी काम का लगा मेरे को। ये ट्राई करेंगे आज हम। ये है भाई थर्मल व्यू, इसमें आपको बंदा क्लियरली दिख जाता है एनिमी। और अब मैं इनविजिबल भी हो गया हूँ अब तो एनिमी देख ही नहीं पाएगा भाई। यहीं से आएंगे बंदे। अबे साले ने मार दी भाई, टेज कर रखा था मैंने इसको। स्टन था बंदा फिर भी मार गया यार। चलो एक ही बंदा है, कहाँ जाना चाहिए साला? ये तो कुछ ज्यादा ही बाहुबली नहीं है ये? What the hell? ये भाई हैकर लग रहा है मेरे को, एक ही शॉट में मार देता बंदे को। हैकर है डेफिनेटली भाई। पिस्टल लेके कौन ऐसे चार्ज करता है? और स्टन था जब भी मार गया था भाई बंदा। कोई नहीं, एक बड़ी दिक्कत है भाई इस गेम के अंदर, ये हैकर की बहुत बड़ी समस्या है। और एक इनका मैच मेकिंग सिस्टम बड़ा बेकार है, कि अगर कम लेवल का कोई प्लेयर, नया प्लेयर आया खेलने के लिए, उसको ये साले हाई लेवल के प्लेयर के साथ खिलवा देते हैं, तो या तो बंदा खेलेगा ही नहीं या फिर बंदा ये हैक्स यूज़ करने लग जाते हैं फिर लोग। मेरे को तो ये हैकर ही लग रहा भाई डेफिनेटली। मेरे पीछे कौन है? अच्छा भाई, इनसे सीधी फाइट लेनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम है ना, इनको छत से पेल लूंगा मैं। यही था भाई बंदा, वो ये तो मर गया साला, ये इतनी जल्दी है। ओ भाई मेरे को लग रहा है ये दूसरों को मारने में बिजी था। 6 किल्स हो गया बंदे की, ये दूसरों को मारने में बिजी था ना। ओके ऑब्जेक्टिव के आसपास तो मेरे को रहना नहीं चाहिए भाई, मैं दूर ही रहता हूँ, नहीं तो पिल जाएगा ये बंदा। ओ एनिमी, ओके भाई इन्हीं की टीम में है हैकर वो, लेकिन वो है कहां पे साला? मेरे को लग रहा है वो दूसरी टीम वालों को पेलने में बिजी होएगा। यही है भाई साहब, दीवार के पीछे शॉट लगा मेरे को ये साला। ये तो पिंक का इशू है मेरे ख्याल से। भाग लो भाई, पंगे लेने नहीं चाहिए। पहला शॉट मिस हो गया था मेरा। हैकर भी सारा ये कौन है? यही लग रहा भाई हैकर, किस तरह मार के गया भाई हवा में ही भाई
पूरी हेल्थ खत्म कर दी साले ने। तो मेरे को लग रहा है ये वापस आएगा। हाँ इधर से शॉट मारा किसी ने, यही था। हद हो गया भाई, कवर के पीछे हूँ फिर भी मर रहा हूँ। Just one contestant still. Oh, bhaiya, ye match to nahi jeet pate hum. Dude, main bhi objective pe jaunga hi nahi bhai. Main bhi isi ko hi hunt karunga saale ko. Koi nahi, bete mil to sahi kahin. Ye risky team ke bande to yahi hoga kahin. भाई मैं अभी छत पे ही जाता हूँ, साला छत पे ही रहता है मेरे को लगता है छत पे रहेगा ना ये हंट करता होगा लोगों को, एनिमीज को। मैं इसको हंट करूँगा। ओके यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सारे बी पे ही लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके लेफ्ट में से आवाज आई है मेरे को। ये रही गोलियां चला रहा साला लेफ्ट में। It's time for our contestants to hope for the best but prepare for the worst. That's right. We have a new event on the way. Thermal vision active. इसको टेज कर पाऊंगा मैं यहां से? नहीं हुआ टेज। कोई नहीं भाई, मैं इसके पीछे से जाके मारूंगा साले को। ये पता नहीं लड़का है कि लड़की है, कुकी नाम है इसका, कुकी। I don't know. पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं भाई इसको। ये रहा। ओ भाई मरते मरते भी मार गया एक शॉट। और इसने वो ले रखी है वो कौन सी होती है, डीगल होती है, कौन सी होती है भाई, बड़ी हैवी डैमेज करती है वो। मेरे को पीछे जाना नहीं चाहिए था वैसे। ओके ओ, मेरे को कोई शॉट मार रहा था, वही था क्या? भाई सामने से आ रही थी, ये कौन है भाई? मैं उसको हंट कर रहा हूँ, कोई मेरे को हंट कर रहा है। ओ, भाई साहब कहाँ से मार रहा है बताओ। किल देखो बंदे की भाई, 14 किल हो गई हैं। भाई इस मैच में तो कम से कम ऑब्जेक्टिव करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हैकर आ जाए तो भाई क्या ही ऑब्जेक्टिव करेगा बंदा, और क्या ही फिर वो ऐसी गेम में तो ना भाई हैकर के पीछे लग जाना चाहिए सबको। पूरी की पूरी गेम में जितने प्लेयर हैं ना सबको हैकर को ही मारना चाहिए। आएगा तो यहीं पे ही भाई। ओके वो थोड़ा दूर है क्योंकि मेरे को आवाज तो आ रही है उसकी बुलेट की, उसकी गन की, लेकिन वो दूर है कहीं पे। ओके दोनों टीम के मेरे प्लेयर मर चुके हैं, तो भाई मैं अभी जाऊंगा नहीं वहां पे। ओ ये कौन मार रहा है? एक्टिवेटिंग थर्मल विजन।
अबे यार ये भाई इसकी टीम में नंबर वाला बंदा, इसकी भी देखो डैमेज बहुत ज्यादा है। पता नहीं भाई, अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये दोनों ही हैकर है क्या। ये लो भाई हमारी टीम में से एक बंदा अभी भाग गया, क्या करें भाई, वो भी बेचारा मजबूर है, क्या करें। मेरे को खेलना पड़ेगा इस बेचारे अकेले बंदे की वजह से, अगर मैं छोड़ के गया तो इसका मोरल डाउन हो जाएगा बेचारे का। भाई इसीलिए मैं ये यहाँ से मार रहा है, इसीलिए मैं भाई वो रैंक नहीं खेलता हूँ। एक तो साला कई बार गेम की गलती हो वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं साले। ऊपर ही है कहीं पूरा, साला कितनी दूर से ऊपर से बैठ के ना घने जंगल के अंदर पेड़ों के पीछे बंदों को मार रहा है, बताओ। एक तो भाई मेरी टीम वाला भी मजबूर है भाई, पीछे ही पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव के। ओ हमारी टीम में एक और बंदा आया, नाइस। भाई इस मामले में ना मेरे को वैलोरेंट ज़्यादा बढ़िया लगी गेम, उसमें मैच मेकिंग बढ़िया है, उसका एंटी चीट भी भाई इतना ज़बरदस्त है ना। ओ हैकर लेफ्ट में, अच्छा तो ये भाई कोशिश तो कर रहा था भाई। अबे यार मेरे भी शॉट मिस हो रहे हैं। वो बिल्कुल भी भाई ऑब्जेक्टिव पे एक बार भी नहीं आया बंदा, वो हैकर कुकी जो है वो बस किल लेने में बिजी है। मोटा पैनिक कर गया था भाई तो पैनिक में चार्ज मार दिया उसने। लेफ्ट में है हैकर, लेफ्ट में ये रहा। भाई साहब ऊपर भाई बंदा टरेट लगा के बैठा हुआ था बड़ी आराम से, कि मेरे से मेरे पीछे से कोई आएगा तो टरेट कम से कम उसको मारेगी। अब ये मेरे को ढूंढेगा डेफिनेटली। ओह नहीं 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 यही था भाई, 19 किल हो गया भाई बंदे की देखो। अबे नहीं ओ ये आपस में लड़ रहे हैं हो सकता है भाई ये। ओ हो गया हमारी टीम का बंदा भी भाग गया वैसे, यार यही था भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं तो सोच रहा था कोई एक बढ़िया सी गेम रिकॉर्ड करता हूँ और भाई ये हैकर मिल गया। और मैं भाई ये सच बता रहा हूँ इस गेम में मतलब तीन मैचों के बाद डेफिनेटली एक एक गेम ऐसी मिलती है जिसमें आपको हैकर मिलेगा डेफिनेटली। अगर हैकर नहीं मिलेगा तो भाई इनका मैच मेकिंग सिस्टम ऐसा है कि हाई लेवल के प्लेयर एक टीम में डाल देते हैं और लो लेवल की एक टीम में डाल देते हैं, तो वो भी भाई सारा फिर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो यही है भाई,
जिसको अगर खेलने में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली खेल सकते हो, लेकिन इसमें कम से कम रैंक ना ही खेलो तो ज्यादा बढ़िया है। रैंक खेलने का कोई फायदा नहीं है, वो डी रैंक ही होगा बंदा, हैकर बहुत है उसमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो गुड बाय।